नमस्कार दोस्तों, फ्रीडी स्ट्रिप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सीताराम। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताना चाहूंगा, अगर आप डीडी फ्रीडी पे ज्यादा चैनल देखने चाहते हो तो मैं आपके लिए एक एलएमबी लेके आया हूं। इसके मैं एलएमबी की अनबॉक्सिंग और पूरी सेटिंग बताऊंगा कि आप इस एलएमबी से डीडी फ्रीडी के सेटअप बॉक्स पे आप ज्यादा चैनल कैसे देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इस एलएमबी से हम कैसे सेटिंग कर सकते हैं और कैसे हम ज्यादा चैनल देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस एलएमबी की मैं अनबॉक्सिंग कर देता हूं कि एलएमबी किस तरह की है और इसकी जो सेटिंग है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आपको सेटिंग करनी है। यहां देखिए दोस्तों, आपकी जो डिश एंटीना होता है उसमें आपको एक सिंगल एलएमबी लगी हुई होती है, उसमें आप केवल एक ही सैटेलाइट के चैनल देख पाओगे। तो यहां मैं आपके लिए एक मोनोब्लॉक एलएमबी लेके आया हूं। इस मोनोब्लॉक एलएमबी की पूरी सेटिंग बताऊंगा कि आप इस मोनोब्लॉक एलएमबी को डीडी फ्रीडिस के सैटेलाइट पे कैसे यूज करेंगे। तो यहां आपको इस तरह का ये मोनोब्लॉक एलएमबी मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी का है। पहले हम इसे डिश टीवी में यूज करते थे लेकिन आजकल इसे डिश टीवी में यूज नहीं करते हैं। और इस एलएमबी में हमें दो सैटेलाइट होते हैं उनके चैनल हम देख सकते हैं। इस एलएमबी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां एक डिस्क स्विच होता है जो स्विच आपको दो सैटेलाइटों पे काम करने के लिए है। तो यहाँ हमें इस एलएमबी पे दो एलएमबी लगी हुई है, एक एलएमबी यहाँ लगी हुई है, एक एलएमबी यहाँ लगी हुई है, यानी दो एलएमबी कमांड है और एक डिस्क स्विच से इसका कनेक्ट होता है। यहाँ हमें एलएमबी पोर्ट की बात करते हैं तो एक पोर्ट वाली है मोनोब्लॉक एलएमबी है। अब मेन होता है इस एलएमबी को हम डीडी फ्रीडिस की डिस्क पे कैसे सेटिंग करें, क्योंकि यही तरीका होता है। इसमें क्या दो एलएमबी जुड़ी हुई होती है। अगर दोनों, अगर मान लो आपका ये एलएमबी होल्डर है, इस एलएमबी होल्डर को अगर आप इस पे लगा दोगे तो अगर आप फिर इस पे डीडी फ्रीडिस लगाओगे तो आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फिर एक सेटेलाइट पकड़ेगा। तो इसे लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो एलएमबी होल्डर है इसी सॉकेट पे आपका रहना चाहिए, यानी इस पे दो एलएमबी लगी हुई होती है, एक ये तो आपका इस एलएमबी पे ये एलएमबी सॉकेट होना चाहिए। जैसे ही आपका एलएमबी सॉकेट होगा तो यहाँ मैं आपको लगा के बता रहा हूँ कि आपकी जो सिंगल एलएमबी है उससे आप बिल्कुल डिस्क को मत हिलाओ, बिना डिस्क हिलाए आपके एलएमबी को खोलो। एलएमबी खोलोगे तो फिर आप एलएमबी खोलने के बाद में इस एलएमबी को वैसे के वैसे ही कनेक्ट कर लोगे, लेकिन खोलने से पहले आपकी जो सिंगल एलएमबी है उसका स्क्रू एंगल आपको देखना होगा। जैसे ही आप स्क्रू एंगल देखोगे तो उसी स्क्रू एंगल पर दोस्तों आप इस एलएमबी को यहाँ आपकी डिस्क पे कनेक्ट कर दो। जैसे मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वैसे के वैसे कनेक्ट कर दो। फिर कनेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ आप एक सर्विस केबल लगा लो या आपका जो सेटअप बॉक्स का जो वायर है उसे आप यहां कनेक्ट कर लो। जी यहां करना है ना, जैसे ही कनेक्ट होगा तो इसे यूज करने के लिए आपको MPG4 सेटअप बॉक्स होगा, क्योंकि यहां इस एलएमबी पे हमें दो सैटेलाइट मिलेंगे। एक तो आपका 93 वाला जो डीडी फ्रीडिस का सैटेलाइट है, दूसरा हमें मिलेगा 100.5 HD सेट का है। तो यहाँ हमें दो सैटेलाइटों के चैनल मिलेंगे, एक तो एस एस सेट का मिलेंगे, एक आपको डी डी फ्रीडिस का मिलेगा, क्योंकि यहाँ दोनों सैटेलाइट। अब मेन होता है आपको कैसे स्कैन करना। स्कैनिंग का जो तरीका है दोस्तों, आपके जो सेटअप बॉक्स होगा आप इसे ओनली MPG4 सेटअप बॉक्स में ही यूज करें। MPG2 में आपके इतने चैनल नहीं आएंगे, MPG4 सेटअप बॉक्स में यूज करें। अगर आप चाहते हो दोस्तों इस एलएमबी के बारे में कि आप फुल सेटिंग वीडियो बनाओ स्क्रीन पर दिखा के कैसे हम चैनल देखें, तो मुझे कमेंट करना जरूर ना भूले, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और इस एलएमबी का पूरा आपको बना दूंगा कि किस तरह से हम इसे यूज करें। आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूं और इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अब होता है दोस्तों आपके सेटअप बॉक्स में इसमें सेटिंग कैसे करनी है। आपके जो सेटअप बॉक्स होता है उसमें आपने देखा होगा MPG2 या MPG4 सेटअप बॉक्स में डिस्क सी पॉडकास्ट होता है, यानी MPG4 में डिस्क सी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ होते हैं। तो आपको इसे सबसे पहले आपकी डीडी फ्रीडिस पे स्कैन करोगे तो डिस्क सी 1 पे आप लेके ऑटो स्कैन करोगे, ब्लाइंड पे करना ऑटो स्कैन। अगर आप चाहते हो सेटिंग का तो मैं सेटिंग का वीडियो बना दूंगा। तो इसे आप डिस्क सी 1 पे ऑटो स्कैन कर लो। जैसे ही आप डिस्क सी 1 पे ऑटो स्कैन कर लोगे तो आपके डीडी फ्रीडिस के चैनल आ जाएंगे। फिर आप मेनू का बटन दबा के फिर आपके सेटअप बॉक्स में जाओ, फिर वही प्रोसीजर करो जहाँ डिस्क सी 2 लिखा हुआ, इसको आप डिस्क सी 2 पे ऑटो स्कैन करो। डिस्क सी 2 पे ऑटो स्कैन करोगे तो आपको 100.5 जो SS सेट है उसके चैनल आपके MPG4 सेटअप बॉक्स में ऑटो स्कैन हो जाएंगे। यानी इस एलएमबी से हम दो सैटेलाइटों के चैनल देखेंगे, SS सेट के और डीडी फ्रीडिस के। तो दोस्तों यहाँ मोनोब्लॉक एलएमबी बहुत ही अच्छा मोनोब्लॉक एलएमबी है और ये ओनली डिश टीवी का मोनोब्लॉक एलएमबी है। इसकी जो क्वालिटी की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। इसकी जो रेंज की बात करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है और इसे हम दो सैटेलाइटों में यूज करने के लिए ही काम में लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों इस एलएमबी के बारे में आप समझ गए होंगे कि किस तरह का एलएमबी है, कैसे इसे यूज किया जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।